हम क्या करते हैं कि हम भाग दौड़ में होते हैं कि नहीं मुझे पहले मुझे सिलेबस करना है खत्म, वो ना वो खाने की वो भूख होती है हमारे पर। यूनिट फर्स्ट आपने पढ़ लिया, यूनिट फर्स्ट कि आपने इंस्टेंटली आपने रिवाइज करना है पूरे यूनिट के बाद, आपने दो दिन ब्रेक देके आपने उस चीज को फिर से रिवाइज किया, हल्का हल्का ऊपर ऊपर से नजर मारी, फिर एक हफ्ते के बाद संडे के दिन उस चीज को पूरा अच्छी तरह से फिर से रिवाइज किया, फिर आपने उस पर मॉक टेस्ट लगाए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में, और ये आज का एपिसोड उन रेस्पेक्टेड फीमेल एस्पिरेंट्स या रेस्पेक्टेड लेडीज के लिए होने जा रहा है जो फीमेल सुपरवाइजर के लिए पढ़ रही हैं, जो फीमेल सुपरवाइजर जॉब एस्पायर कर रही हैं। सो उनके लिए आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली होने जा रहा है, जिसमें आज हम डूज एंड डोंट्स डिस्कस करेंगे कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम या फिर इस एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं जो अभी आप कर रही हैं, जिनको अभी से ये वीडियो देखने के बाद जो आप अभी से खत्म कर देंगे और जो आपकी सिलेक्शन की मैक्सिमम चांसेस बढ़ा देगा, जो जिससे आपकी सिलेक्शन जो है वो राइट ऑन द ट्रैक, आपकी प्रेपरेशन ऑन द ट्रैक चली जाएगी। सो इन एडिशन टू इट हम सिलेबस को लेके भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, कैसे आपने सिलेबस को लेके चलना है, क्या डेडलाइन होनी चाहिए, किस तरह का आपने अपना प्लान अपना स्केड्यूल बनाना है जिस वे में आप जो है इस जॉब को ले सकते हैं। सबसे पहली चीज और जो बोल्ड लाइन होती है, जो एक बोल्ड लाइन होती है, वो मैं ये कह देना चाहता हूं कि देखिए जो फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम है, नो डाउट इसमें आपको बॉयज नहीं दिखेंगे, ऑल दो आप देखते हैं कि जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम होता है, मेजॉरिटी ऑफ द सिलेक्शन लिस्ट में आपने पीछे के जितना भी हमने देखा रिसेंट अभी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हुए, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स में बॉयज ही एक्सेल कर रहे हैं, बॉयज टॉप कर रहे हैं। लेकिन इसके बरकस अभी हमारा इंस्पेक्टर फिशरीज हुआ था, आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन सीइंग द नेम ऑफ द सिलेक्शन नेम ऑफ द सम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स जिनका इंस्पेक्टर फिशरीज डेप्यूटी इंस्पेक्टर फिशरीज में टॉपर्स की लिस्ट में नाम था, एंड लिटरली आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन सीइंग दैट। तो कहने का मतलब यह है कि मेजॉरिटी आप जो अभी तक रिक्रूटमेंट्स हुई उसमें आपने देखा कि ज्यादातर बॉयज थे, मेल्स थे, फीमेल्स बहुत कम देखने को मिली, हालांकि फीमेल्स भी थी बहुत कम देखने को मिली। तो कहने का मतलब यह है कि जो सबसे बड़ा कंपटीशन है आपको बॉयज के साथ वो नहीं है, पहली बात तो ये कि आपके कॉम्पिटिटर अभी आप खुद हैं, आपकी कोई दूसरी कोई फीमेल नहीं है, कोई लेडी नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा जो कंपटीशन है बॉयज का वो साइडलाइन्ड है, आपको सिर्फ अपनी गर्ल्स के साथ कंपटीशन है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो आपको नोट करनी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमने सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट देखा कि लोगों के साथ साथ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 5-5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ड्यू टू एनसीसी सर्टिफिकेट बी और एंड ए सर्टिफिकेट्स, उनकी वजह से उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं। अब मेरे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्कोरिंग 95 out of 120 और कोई एनसीसी वाला आ जाता है, उसके 5 मार्क्स मिलते हैं, उसका 100 चले जाता है, और 100 की वजह से वो 2,500-3,000 रैंक ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब वो फीमेल एस्पिरेंट्स, फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट जिनका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रहा है या जिनको ये 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, किस तरह से आपको उनको एक्सेल करना है वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछली वीडियो मैंने फीमेल सुपरवाइजर की जो एग्जाम है एग्जाम को लेके बनाई थी कि क्या व्हाट कुड बी द पॉसिबल एंड एक्सपेक्टेड डेट फॉर योर एग्जाम, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। अब आई एम लिटरली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि 10K प्लस उसमें व्यूज आए और बहुत सारे लोगों ने प्यार दिखाया उसमें। एक चीज मैंने नोटिस करी कि फीमेल स्टूडेंट्स वहां पे बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रही हैं और वो स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ रही हैं कि सर क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या रिविजन का जो रिविजन का मतलब सिस्टम है, रिविजन का जो क्राइटेरिया है, यू नो स्ट्रेटेजी वुड बी द करेक्ट वर्ड, कि स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है रिविजन के लिए। सो उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन फिलहाल ये कि आज हम इस पे बात करेंगे। सो नाउ मेक श्योर करें कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और शेयर करें। चले इसी के साथ इन्हीं नोट्स पे हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि मैं आपको ये आपका सिलेबस है,
सिलेबस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है, कौन से कंपोनेंट पे आपने फोकस करना है। सबसे पहली चीज है आपका स्पेशलाइजेशन, जो आपका 60 मार्क्स का है, जेएनके जीके 20 मार्क्स, ये चीजें तो आपको पता है भाई, ये आपका 120 मार्क्स का है आपका टोटल पेपर। इसमें से अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा भी अगर आप सेंस लगाएंगे, तो 50% जो आपका सिलेबस है वो स्पेशलाइजेशन है। और ये स्पेशलाइजेशन ऐसा कंपोनेंट है जिसमें से 55+ आराम से स्कोर किया जा सकता है। अगर यहां पे जीके होता, जो ऊपर जीके मेंशनड है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, तो आई वुड से कि अगर वो 60 मार्क्स का होता तो उसमें मैं आपको बोलता कि भाई 35 या 40 ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं बताता मैं। लेकिन ये जो स्पेशलाइजेशन का कंपोनेंट है आपका दोस्तों, इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करने के मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है। वो इसलिए क्योंकि ये ज्यादा टेक्निकल, ये टेक्निकल कंपोनेंट नहीं है। इसमें आपके फॉर्मूलाज नहीं पूछे जाएंगे, या इसमें आपका ज्योग्राफी का कोई कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, या कोई भी ऐसी चीज नहीं पूछी जाएगी जो आपको नहीं आए। यूनिट 6 अगर आप देखते हैं, यूनिट 6 में आपकी मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एडॉप्शन आता है, कन्वर्जन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू क्रीसीज आता है, आपके जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स हैं, जो फीमेल जितने भी सारी गवर्नमेंट ये जो स्कीम्स हैं उन पे क्वेश्चन आएगा, वो यूनिट 6 तो पूरा का पूरा भाई, उन यूनिट 6 में 2, 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो तो इजीली स्कोर मतलब कर सकते हैं। यूनिट 5 पे आएंगे कुछ फोबियाज, कुछ डिजीजेस, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। लाइकवाइज बाकी कंपोनेंट्स पे जब आप आएंगे तो उतना ज्यादा टफ नहीं है, उनको बस पढ़ना है आपने और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, एंड इट इज वेरी इजी टू स्कोर 55+ इन दिस सेक्शन, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि प्रायोरिटाइज करना है आपको वो बच्चियां, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ये आर्ट्स, ये ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ा है, स्पेशली वो बीटेक ग्रेजुएट्स हो सकती हैं, बीई ग्रेजुएट्स हो सकती हैं, या फिर बीएससी ग्रेजुएट्स हो सकती हैं, बीकॉम हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, तो उन्होंने अगर ये चीज नहीं पढ़ी है तो उनके लिए ये इतना ज्यादा टफ नहीं होगा। और जिनका तो आर्ट्स है भाई, जिन्होंने ये चीजें पढ़ी हैं, तो उनके लिए तो फिर उनके तो बल्ले बल्ले हैं, उनके लिए भी तो वैसे भी वो टफ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो बच्चे जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको यही चीज मेरे हिसाब से सबसे पहले पढ़नी चाहिए, स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज करना है आपने, क्या काम करना है, प्रायोरिटाइज करना है आपने, ये जो स्पेशलाइजेशन का कंपोनेंट है इसको आपने कंप्लीट करना है सबसे पहले। दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे, दिन में अगर आप 10 आवर्स पढ़ते हैं, इसमें आप 6 आवर्स आप डिवोट करेंगे स्पेशलाइजेशन के कंपोनेंट को। जितना ज्यादा आप, जितना जल्दी आप इसे कंप्लीट करेंगे, जितने ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली अपनी ऐप पे एक सीरीज चलाई है, यूनिट वाइज स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट फीमेल सुपरवाइजर की, यूनिट वाइज कि आपका सेक्शनल टेस्ट हो रहे हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दोज सेक्शनल टेस्ट। तो वो कंपोनेंट्स है आपके, उन कंपोनेंट पे, जैसे यूनिट 6 पे मैंने परसों एक टेस्ट डाला था, उसमें मोर देन 100 कैंडिडेट्स ने इनरोल किया, और इनफैक्ट मैंने उनके रिजल्ट्स भी शो किए कि भाई रैंक वन कौन था, रैंक टू कौन था, ठीक है, रैंक वन रैंक टू, इस तरह से मैंने वो चीजें वहां पे टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे कि हाँ भाई देखो इन बच्चों ने आउट परफॉर्म किया है। तो वो चीजें करें आप, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऐप डाउनलोड करें भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई चीज मिल रही है आपको, एक तरफ अगर कोई बंदा आपको 600-800 का कोर्स बेच रहा है, प्लस आपको फिर उसमें टेस्ट दे रहा है, तो उसकी बरकस में अगर आपको हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, तो वाई नॉट टू टेक बेनिफिट ऑफ दीज, ठीक है, तो उनका बेनिफिट ले। तो कहने का मतलब ये कि प्रायोरिटाइज करना है आपने अपनी ये जो सिलेबस है,
क्योंकि 50% आपका यहाँ से, अगर आपने, अगर आपका ये तैयार है तो 50% ऑफ योर, हाफ ऑफ योर जॉब इज डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का जीके है, ये 20 मार्क्स का है। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा कंपोनेंट है जिसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, बट इसमें इतनी ज्यादा घबराने की और इतनी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले रीसेंट एग्जाम्स में अगर हम देखेंगे तो जेके एस एस बी इतना ज्यादा टफ एग्जाम नहीं पूछती है। तो जो जूनियर असिस्टेंट के जेके एस एस बी के एग्जाम्स हुए अभी तक, उन जूनियर असिस्टेंट्स का जो लेवल था, लेवल एग्जाम, मेरी बात मानिए वही लेवल इसमें भी होगा, क्योंकि लेवल 4 पोस्ट है और इतना ज्यादा टफ आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि टफ पूछा जाएगा। फैक्चुअल चीजें, फैक्चुअल नेचर की चीजें जो है वो ज्यादा पूछी जाएंगी आपकी। आपने देखा जो वेटरनरी फार्मासिस्ट है, आप जो आपका जो हमारा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, फाइनेंस इंस्पेक्टर है, वो पेपर जब आप देखेंगे तो उन पेपर्स में क्या क्या चीजें इन्होंने देखी जे एंड के, जीके, या फिर हमारा जनरल नॉलेज जो है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, वो चीजें, उन चीजों में क्या क्या चीजें पूछी, तो उतना ज्यादा जीके से भी टफ नहीं पूछती है। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है कि थोड़ा सा पिछले 6-7 पेपर्स को एनालिसिस करना है। स्टॉक असिस्टेंट का है आपका, वेटरनरी फार्मासिस्ट का है आपका, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का है आपका, या इसी तरह से VLW का आपका एग्जाम है। ऐसे 6-8 ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको आप अगर डीपली, थॉरोली अगर आप एनालिसिस करोगे, देखोगे, तो जेएनके जी वहां से आपको एक क्रक्स निकल के आएगा कि क्या जेके एसएसबी की क्या फेवरेट चीज है। और वो जॉब मैं आपके लिए करूंगा, मैं बहुत जल्द उस पर एक सेशन लाऊंगा, आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस, कौन सा कंपोनेंट जेके एसएसबी का फेवरेट है, स्पेशली जीके में जिसमें जेके एसएसबी क्वेश्चंस पूछ रही। तो इस चीज का एनालिसिस करें आप, और उन्हीं सिमिलर लाइंस पे, उसी पैटर्न पे बेस्ड आप इसकी लाइकवाइज उस तरह से आपकी उसकी तैयारी करें। उसके बाद इंग्लिश है आपका। देखो यार, इंग्लिश में अगर आप मुझे पूछोगे तो इंग्लिश में एक होता है आपका ग्रामर, दूसरा होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा होता है आपका वोकैबुलरी। ये जो वोकैबुलरी है ना, वोकैबुलरी से जेके एसएसबी के 3 या 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो 3 या 4 क्वेश्चंस आपके यहां वोकैबुलरी से आते ही आते हैं। इडियम एंड फ्रेसेस आपके 2 आते हैं, सिनोनिम 1 आता है आपका, एंटोनिम आपका 1 आता है, या कभी कभी 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम पूछते हैं और 1 इडियम फ्रेस पूछा जाता है। तो 5 आप एक्सपेक्टेड ले सकते हैं, 5 भी नहीं तो कम से कम 3 तो आप मान के चलें कि सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज दिया जाएगा, पैसेज पे आपने लाइकवाइज पैसेज के क्वेश्चन आंसर करने हैं। और फिर आपका ग्रामर है, जैसे आर्टिकल्स हैं, आपकी अटेंसेज हैं, आपके मॉडल्स हैं, आपके वर्ब्स हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें जो है पूछी जाएंगी। बहुत सारी गर्ल्स और बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये एक बच्चों को ये चीज रहती है कि भाई ये चीज हमसे तैयार नहीं हो पाती है। अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमें बताएं, हम आपका सॉल्व करेंगे, हम इसके लिए सेशंस लाएंगे। बट ये जो वोकैबुलरी है, इसके लिए मैं आपको खुद आपकी रिकमेंडेशन से पहले, आपकी रिक्वेस्ट से पहले ही मैं वोकैबुलरी के लिए आपको इडियम्स फ्रेजेस आपको 100-150 आपको दूंगा, वही आपने रेडी करनी है, और मैक्सिमम चांसेस होंगे कि उसमें से ही आएगा। सिनोनिम एंटोनिम्स में आपको शेयर करूंगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, उन्हीं को आपने रटना है, रट्टा मार के वो सारी चीजें क्रैम करके वो रेडी करनी है, और पॉसिबिलिटी ये होगी कि उसमें से ही आगे पीछे करके वो पूछा जाएगा। तो वोकैबुलरी का तो वो मैं करा दूंगा, बाकी कॉम्प्रिहेंशन की हम देखेंगे, क्लास मतलब सेशंस लाएंगे, हमारी टीम लाएगी, और ग्रामर का अगर आप बताएंगे तो ग्रामर के लिए भी हम आपके लिए वो चीज तैयार करेंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी जनरल रीजनिंग, और अब ये जो रीजनिंग, इंटेलिजेंस रीजनिंग है, इसमें आपका मैथ्स के 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर आपके रीजनिंग के हैं। इसका मतलब साफ साफ मतलब ये है कि 5 नंबर आपके, 5 नंबर का आपका मैथ्स है और 5 नंबर का आपका रीजनिंग है। एक मजे की बात बताऊं, ये भी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें 10 out of 10 मार्क्स लाए जा सकते हैं, और बच्चे लाते हैं, परसेंटेज का, रेशियो प्रोपोर्शन का, नंबर सिस्टम का, बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी का कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जेके एसएसबी ने जो बहुत बेसिक था, या ब्लड रिलेशन पे, डायरेक्शन सेंस पे, सिलोजिज्म पे, स्टेटमेंट कंक्लूजन पे, कोई भी ऐसा जेके एसएसबी ने पूछ लिया, तो इट इज वेरी इजी टू स्कोर 10 out of 10 इन दिस सेक्शन।
प्रोवाइडेड दैट कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, बहुत अच्छी जो है वो तैयारी हो। अब एक पता है ब्लंडर का क्या हम करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम ये रीजनिंग के कंपोनेंट को क्या करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि नहीं यार ब्लड रिलेशन तो मेरे को आता है, सो व्हाई टू प्रैक्टिस दिस। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि हम रीजनिंग तो मुझे आती है, ये ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट मुझे पता है, तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं क्वेश्चंस करूंगा या करूंगी। फिर एग्जाम हॉल में क्या होता है कि आप एग्जाम हॉल में चले जाते हैं, वहां पे क्वेश्चन जब पूछा जाता है, एक लैंग्वेज जो क्वेश्चन की होती है, लैंग्वेज देख के आप पहले ही लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन में आपके 6-7-8 मिनट चले जाते हैं। फिर उसको सॉल्व करने में अगले 10-15 मिनट, तो 20-22 मिनट वो आपका एक ही क्वेश्चन खा लेता है कभी कभी। तो इसकी प्रैक्टिस तो भाई बहुत ज्यादा करने की जरूरत है आपको, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स की आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपका मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है आपका, तो मैं अभी ऑलरेडी अभी चला रहा हूँ नंबर सिस्टम। मैंने अपनी यूनिट अपनी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कर दी हैं, वो नंबर सिस्टम आप चेकआउट कर लेना। और मैंने रेशियो प्रोपोर्शन का भी कंप्लीट कर दिया है, रेशियो प्रोपोर्शन भी आप देख सकते हैं। अब हम परसेंटेज पे आगे जाएंगे, अब हम परसेंटेज के का कंपोनेंट टेक्स्ट उठाएंगे और उस पर आपको डिस्कस करेंगे। ये जो जनरल साइंस का कंपोनेंट है, इसमें भी आप इजिली 100 out of 10 out of 10 तो नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी है कि आप कर सकते हैं। ये 8+ स्कोर, ये चीज है कि आप 8+ स्कोर आप इसमें कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद है आपका कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर में भी आपके उतना ज्यादा JKSSB वास्ट और डीप नहीं पूछ रहा है, फैक्चुअल चीजें, फैक्चुअल नेचर की चीजें पूछ रहा है, ठीक है। तो कंपोनेंट कंप्यूटर से भी आपका इजीली ऐसा स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो नाउ ये चीज कंक्लूड करने के बाद अगर आप मुझे बताओगे क्रक्स में कि इस चीज में आपको क्या मिला, वो ये कि स्पेशलाइजेशन को आपने प्रायोरिटाइज करना है, स्पेशलाइजेशन को मैक्सिमम टाइम देना है टिल द टाइम आप इसके सिलेबस को कंप्लीट करो। अब स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत सारी बच्चियां बोलती हैं कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हम क्या करें। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि भाई मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, वो करो आप। इन एडिशन टू दैट, अगर आपको लगता है कि मजा नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब पे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप एक बुक ले सकते हैं, CN शंकर राव की बुक है, CN शंकर राव। CN शंकर राव की एक बुक है, वो आप चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छी बुक है, वहां से आप उससे आप पढ़ें, क्योंकि मेरे हिसाब से भी बुक से भी ज्यादा अच्छा मजा लगता है, ठीक है। तो ये चीज CN शंकर राव से आप ये तैयार करें। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, एक टॉपिक आपका हो जाता है, टॉपिक होने के बाद आप उस पर MCQs करें, ठीक है। और उसके बाद है आपका जो बाकी जो कंपोनेंट है आपके, बाकी कंपोनेंट्स पे आपने अपना टाइम डिवोट करना है। जो आपका वीक पोर्शन है उस चीज पे आप रिलाई करें, उस चीज पे आप देखें कि नहीं, अब मैथ्स और रीजनिंग है, रीजनिंग में पता है कि भाई 10 out of 10 आ सकते हैं, तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए। व्हाई टू इग्नोर दिस, ठीक है। तो 60% ऑफ द टाइम आप क्या कर रहे हैं कि आप डिवोट कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन पे 60%, और बाकी जो 40% है आपका वो इस पे कर रहे हैं। अब शेड्यूल क्या है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, एक वर्ड फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा कि आपने दिन में ये करना है, 3 दिन के बाद आपको मैं इसका टेस्ट लूंगा। वैसे अगर आप मुझे बताओगे तो मैं करूंगा, आप लेकिन कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि सर हाँ आप कीजिए, हमें टारगेट्स दे दीजिए, डेली टारगेट्स दीजिए, वीकली टारगेट्स दीजिए, वीक में कितना तैयार करना है, वीक के बाद आप टेस्ट लीजिए अपनी ऐप पे, तो वो चीज जो है वो मैं करूंगा आप अगर मुझे बताएंगे तो। ये चीज आपने कर ली। नाउ कमिंग टू द डूज एंड डोंट्स, आपने क्या चीजें ऐसे करनी है। सबसे पहले तो मैं डोंट्स पे आऊंगा। देखो यार, जो डोंट्स की कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं, ठीक है, जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब चीजों को टालना। मेरे को ये लगता है कि नहीं, मेरा तो साइंस अच्छा है, मैं बाद में पढ़ लूंगी, कंप्यूटर तो मैंने पढ़ लिया, वैसे ही मैंने फीमेल सुपरवाइजर, मैंने VLW के तो वैसे मैंने पढ़ा था, बाद में पढ़ती हूँ, देखती हूँ क्या होता है, ठीक है। या मेरा रीजनिंग तो मैंने पैरेडी पढ़ा, यार बोरिंग है, मैं बाद में पढ़ती हूँ, देखती हूँ मैं बाद में, देखा जाएगा, अभी फिलहाल मैं बाकी चीजों पे फोकस करती हूँ। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना दोस्तों, यही हमें फेलियर की तरफ ले जाती है कि मैं बाद में करूंगी या बाद में करूंगा, फिर वो बाद नहीं आता है। हम सोचते हैं कि भाई लास्ट के एक मंथ में मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी, हो जाएगा मेरे, लेकिन लास्ट के एक मंथ में कुछ नहीं होता, फिर टाइम ऐसे निकलता है, टाइम पता नहीं चलता,
ठीक है, तो ये चीज होती है। फिर लास्ट के एक मंथ का क्या होता है, लास्ट के एक मंथ में आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी होती है, आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं, आपको रिविजन पे फोकस करना है, रिविजन प्लस मॉक टेस्ट, रिविजन मॉक टेस्ट, रिविजन मॉक टेस्ट, ये चीज करनी होती है। मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, मॉक टेस्ट जब आप देते हैं मॉक टेस्ट से आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, तो प्रोकेस्टिनेट नहीं करना है, सिलेबस को एक एक ऑन द ट्रैक लेके जाएं, ऑन द ट्रैक चलाएं, तो सिलेबस कवर करें अपना। उसके बाद रिलाई सोली लास्ट टाइम प्रेपरेशन, यही चीज है कि भाई आप वन इज द सेम थिंग कि भाई बाद में देखूंगी। या फ्यू डेज बैक आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फीमेल फ्रेंड एंड आई आस्क्ड हर कि भाई मुझे बताओ कहां पहुंचा है आपने सिलेबस अपना, कितना कवर किया। शी वाज लाइक कि यार देखो क्या है अभी एग्जाम एग्जाम तो होना नहीं है, तो क्या अभी मैं थोड़ी बिजी हूं, मैं अपने यूनिवर्सिटी के काम में बिजी हूं, मैं अपने कॉलेज के काम में बिजी हूं, लाइक दैट उसको कुछ वो कॉलेज में कहीं पढ़ाती है एंड समथिंग लाइक दैट, और वो बोल रही थी कि मैं अभी फिलहाल उन चीजों में बहुत बिजी हूं, मैं इसे बाद में देख लूंगी। तो भाई उसकी मैंने बहुत मैंने उसकी क्लास ली और मैंने उसको बताया कि भाई ऐसे अगर चलोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस जॉब। If you are aspiring to get this job, if you are aspiring to get 40,000 monthly salary, 40,000 monthly salary in your account, then you should start preparing from today onwards. अगर आपने अभी तक start नहीं किया है, हाँ कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी गर्ल्स से जिन्होंने मुझे कमेंट में लिखा था कि सर मैंने तो अभी स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, स्ट्रेटेजी प्रॉपर जो मैंने चीजें बता रहा हूं वो चीजें फॉलो करो तो आप इंशाल्लाह ऑन द ट्रैक रहेंगे। उसके बाद नेग्लेक्ट रिवीजन, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहती है, बच्चे बहुत ज्यादा चीजें ये करते हैं कि रिवाइज। एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है हमारी, हमने यूनिट वन पढ़ लिया स्पेशलाइजेशन का, यूनिट वन पढ़ लिया वो खत्म कर लिया तो दूसरे यूनिट पे चले गए, वो खत्म कर लिया तो तीसरे यूनिट पे चले गए, वो लाइक वाइज हम सीधा भागते हैं। मतलब लिटरली ये चीज मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है मैंने 2016-17 के बाद में, 16 से मैं कॉम्पिटिशन्स में हूं और ये चीजें मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करी है। लिटरली मैं आपको अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि हम क्या करते हैं कि हम भागदौड़ में होते हैं कि नहीं मुझे पहले मुझे सिलेबस करना है खत्म, वो ना वो खाने की वो भूख होती है हमारी कि नहीं मेरा इतना भी हो जाएगा, मेरा ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं। अब क्योंकि यूनिट वन मैंने पढ़ लिया उसके बाद मैंने रिवाइज नहीं किया तो वो सारा वो तो भाई लाइक पहले एक महीने दो महीने के बाद जब मैं उसको देखूंगा तो वो तो नया लगेगा मेरे लिए। तो रिवीजन को नेगलेक्ट करना ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर और बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं और जो नहीं करना चाहिए। रिविजन का क्या तरीका होना चाहिए, रिविजन किस तरह से करनी चाहिए, यहां पे शॉर्ट में बताता हूं, लेकिन रिविजन के लिए मुझे बच्चों ने बताया था कि आप थोड़ा स्ट्रेटेजी हमें बताएं रिविजन कैसे करनी चाहिए, उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां चीज बताऊंगा, जो टॉपिक आपने पढ़ा मिसाल के तौर पर यूनिट फर्स्ट आपने पढ़ लिया, यूनिट फर्स्ट के आपने इंस्टेंटली आपने रिवाइज करना है, पूरे यूनिट को आपने रिवाइज करना है अच्छे से, कोई बात नहीं एक डेढ़ टाइम लगता है लगने दो, लेकिन रिवाइज तो करो अच्छे से, चीजें स्ट्राइक बैक करो अपने माइंड में। उसके बाद एक दिन के बाद आपने दो दिन ब्रेक देके आपने उस चीज को फिर से रिवाइज किया, हल्का हल्का ऊपर ऊपर से नजर मारी, फिर एक हफ्ते के बाद संडे के दिन उस चीज को पूरा अच्छी तरह से फिर से रिवाइज किया, फिर आपने उस पर मॉक टेस्ट लगाए। ये चीजें इस तरह से चलती हैं, ठीक है, आप वन कर रहे हैं, टू कर रहे हैं, थ्री कर रहे हैं, सो ऑन करते, वो तो करते जा रहे हैं, वो तो दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी। उसके बाद है आपका डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी यूथ के लिए, चाहे कोई लड़की है या लड़का है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम पे हमें लगता है कि नहीं थोड़ा मैंने पढ़ लिया, दो घंटे छह घंटे पढ़ लिया, ओहो अब मैं तो एग्जॉस्ट हो गई या एग्जॉस्ट हो गया, तो अब मुझे क्या काम करना चाहिए कि मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे जाती हूँ, थोड़ा चिल मारूंगी, थोड़ा डोपामाइन रिलीज हो जाएगा मेरा, और थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मैं इंस्टाग्राम पे चली जाती हूँ। और इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आपको पता नहीं चलता कि 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा एक घंटा चला जाता है, आपको पता नहीं चलता। ये डिस्ट्रैक्शंस इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। मैं तो इन चीजों के बहुत खिलाफ हूं भाई, मुझे बताओगे तो मैं सोशल मीडिया यूज करता हूं, मैं व्हाट्सएप ऑफिशियल पर्पजेस से यूज के लिए करता हूं, इंस्टाग्राम पे आई वॉज वेरी एक्टिव, बट मैंने पिछले कुछ टाइम से मैंने इंस्टाग्राम पे लाइक एक्टिव होना बहुत अवॉइड किया है, बहुत कम कर रहा हूं मैं। तो
ये चीज है। बाकी फेसबुक पे तो मैं वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ, फेसबुक इज नॉट लाइक वेस्टिंग माई टाइम। तो कहने का मतलब यह कि डिस्ट्रैक्शन जितनी भी आपकी आ रही हैं उन सबको अवॉइड करना है, बिल्कुल खत्म करना है। इंस्टाग्राम को अभी डिलीट कर दो, कोई बात नहीं, जब आपकी जॉब लग जाएगी फिर अच्छे अच्छे स्टोरीज, फिर अच्छे अच्छे पोस्ट डाल देना आप, कोई बात नहीं। जब आपकी जॉब लग जाएगी, थोड़ा सिक्योर हो जाओगे, थोड़ा मेंटली स्टेबल हो जाओगे, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस जो आपकी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद आप ये डिस्ट्रैक्शन ये चला लें, इंस्टाग्राम रील वील कच्चा बादाम व्हाटएवर, तो उसके बाद वो चीजें आप बाद में करें। उसके बाद है आपका ओवरलुक पीवाईक्यूज, फॉरगेट टू स्टे काम। तो पीवाईक्यूज तो ये तो भाई मुझे नहीं लगता है कि हमारे जेएनके में कोई ऐसा बच्चा है जो पीवाईक्यूज को इतना ज्यादा डीपली एनालिसिस करता होगा। फॉरगेट टू स्टे काम, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जो स्ट्रेस्ड होती हैं, बच्चियां होती हैं जो ओवरथिंक करती हैं, रात रात भर बहुत ज्यादा सोचती हैं, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। जिस भी मजहब के हैं आप, जो भी आपका रिलीजन है, आप अपने गॉड पे पूरा सोली यकीन करें, उसको झुकें, उसके सामने झुकें, अपना सर झुकाएं अपने गॉड के आगे, अपने जो मालिक है आपका, जिसे भी आप मानते हैं, उससे फरियाद करें कि मेरा जो है वो इसमें जॉब लग जानी चाहिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, तिलावत करनी है, अल्लाह ताला से ज्यादा दुआ करनी है। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप सिख हैं, जो भी आपका रिलीजन है आपका, आप अपने गॉड पे पूरा ये चीज करें कि मुझे इस चीज से बचाए, इस चीज से बाहर निकाले मुझे, और मुझे इस चीज में कामयाबी दे, ठीक है। तो उसके बाद है आपका इग्नोर मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ द एक्सपीरियंस, वो क्या करते हैं कि भाई वो मॉक टेस्ट जो होते हैं, सेक्शनल टेस्ट वो देते ही नहीं है। और एक और चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि एक्सेस बहुत ज्यादा रिवीजन बच्चे कर रहे हैं, हालांकि वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन, उसको एप्लीकेबल कहां, कैसे अप्लाई करने हैं वो चीज नहीं कर रहे हैं। रिवीजन आपने की तो उसको एप्लीकेबल कैसे करेंगे, एप्लीकेशन उसकी कैसे यूज करेंगे, आपको मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट के जरिए से आप अपने रिवीजन को एप्लीकेबल कराएंगे। तो एक्सेसिव रिवीजन करेंगे, रिवीजन बहुत ज्यादा करेंगे और फिर मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, तो दैट इज गोइंग टू बेनिफिट योर लॉट। उसके बाद है आपका नाउ डूज। सबसे पहले आपका पेपर का पैटर्न जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है, जेकेएसएसबी किन लेवल्स पे, जेकेएसएसबी क्या पूछ रही है, क्या ऐसी चीजें जेकेएसएसबी जो इग्नोर कर रही है और जो आपके सिलेबस में पूछ रही है। तो ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन कट शॉर्ट में करता हूं कि रिलायबल ये है आपका अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को समझे क्या पूछ रही है, स्टडी मटेरियल आपका रिलायबल है, क्या स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, क्या चीजें आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर प्रैक्टिस रेगुलरली, मॉक टेस्ट की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ब्रेक्स ले रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर ब्रेक्स ले रहे हैं, एक घंटे का सेशन ले लिया, उसके बाद 5-10 मिनट की ब्रेक ले लिया, उसके बाद स्टे हेल्दी, और काफी ज्यादा मेंटली एंड फिजिकली और मेंटली, ठीक है, ये चीज आप हेल्दी रहें फिजिकली मेंटली, ये चीज भी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, ये इन चीजों से बचें, इन चीजों को अवॉइड करें। बाकी अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज को लेके आपको गाइडेंस चाहिए, किसी भी चीज को लेके आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आई एम फॉर यू हियर ओनली। तो आप मुझे बताएं, फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियन, शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं बहुत जल्द आपके लिए रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, रिवीजन कैसे रिवीजन करनी है, उस चीज पे भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इन चीजों का खास खास क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, रिलायबल स्टडी मटेरियल देखने, अपना ब्रेक्स लेनी है रेगुलरली, ब्रेक ये नहीं कि ब्रेक एक दिन दो, एक दिन पढ़ा आपने और दो दिन आपने ब्रेक मारी मूवी देखने चले गए, ऐसा नहीं है। आपने दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 में से 1-1.5 घंटा आप रिलैक्स कर रहे हो, और वो 1-1.5 घंटा नहीं, वो 10-10 मिनट की ब्रेक्स लेनी है आपने थ्रू आउट द सेशन ऑफ योर स्टडीज। आप लाइब्रेरी में पढ़ रही हैं तो लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते आपने थोड़ा सा माइंड को चिल करने के लिए वहीं पे आप लेट गए, वहीं पे आप सो गए, या आपने
बाहर चले गए आप, थोड़ा टहल के आगे, चल के आगे, माइंड को पूरा डिस्ट्रैक्ट किया आप, कुछ और चीजें या गप्पे मारने लगे अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में, बाहर जाके कहीं चाय पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस वो चीज, वो ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा माइंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीजें आप करें, ठीक है। तो ठीक है, इन चीजों का खास खास ख्याल रखें। बाकी मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट आई थिंक मुझे आप बताओगे तो मैं 2 घंटे भी आपको ये चीजें बता सकता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप कितना इंप्लीमेंट करते हो, कितना इंप्लीमेंट कर पाते हो इन चीजों को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज, ये वीडियो आज की हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी ये वीडियो आप एंड तक आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक हिट करें, शेयर करें, जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पे डाल दें, अपनी पेजेस पे डाल दें, जहां जहां पे भी आप हैं तो आप वहां पे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। मुझे लगता है फिलहाल इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, वक्त बहुत हो चुका है। खुदा हाफिज, आबाद रहें, खुश रहें।